हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम। इसके चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैनल पर जाइए, वहाँ आपको इसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर 3 तक आप इसको देख लीजिए, साथ में इसके MCQ भी आपको करा दिए गए हैं, ठीक है, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी अच्छी हो सके। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 4, सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशियों का कोषागार में भुगतान करना। इंग्लिश में बोलें तो रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी, इट्स कस्टडी एंड पेमेंट ऑफ सच मनी इनटू द ट्रेजरीज। तो इसके लिए जो नियम संख्या है, नियम 42 से लेकर नियम 60 तक हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये 5 भागों के अंदर बांटा गया है ना, जैसे भाग 1, भाग 2, 3, 4 और ये भाग 5 तक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भाग 1 है, उसके अंदर क्या दे रखा है, सामान्य नियम। तो ये जो आप जो धनराशि रिसीव कर रही हैं, सरकार जो धनराशि रिसीव कर रही है, जो पेमेंट की जा रही है, तो उसके लिए भाग 1 के अंदर सामान्य नियम बता रखे हैं, जो नियम 42 से लेके नियम 44 तक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रसीद बुकों का प्रारूप किस तरीके का होगा, वो अब किसकी अभिरक्षा में रहेंगी, तो उसके लिए नियम नंबर 45 से 47। फिर नकदी का कार्य करने वालों के लिए निर्देश, ठीक है, अगर वो कैश में कोई डील कर रहा है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या डायरेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कोषागार में भुगतान, किस तरीके से कोषागार में पेमेंट की जाती है, उसके लिए नियम 54 से लेकर 57। और अन्य प्रावधान, ठीक है, जो पेमेंट रिसीव हो रहा है उनसे रिलेटेड अन्य प्रावधान कौन से नियम, 58 से 60 तक हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 4 में नियम 42 से नियम 60 तक रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नियम 42 से नियम 60। आ जाइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नियम है भाग 1 सामान्य नियम में, पहला नियम है नियम 42, ठीक है। तो नियम नंबर 42 है, पहला नियम नहीं है, पर भाग मतलब चैप्टर 4 का पहला नियम ही है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। नियम 42 क्या कहता है, सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि। अब जैसे जैसे मान लीजिए आप सरकारी धन है, तो जैसे आपका खुद का पेमेंट है, या आप है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको पेमेंट रिसीव करना है इस बक्से में से, ये बक्सा है मान लीजिए, इस बक्से में जाएंगे, पेमेंट उठाएंगे, जेब में रखेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। परंतु सरकार ऐसा नहीं कर सकती ना, सरकार को अगर पेमेंट चाहिए तो उस सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, सभी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए क्या कुछ नियम होते हैं, सरकार किस तरीके से पेमेंट रिसीव करेगी, यानी कि कहीं जाएगी, किसी घर में घुस जाएंगे, पेमेंट लेंगे और जेब में भरेंगे और आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मोड ऑफ रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट मनी, किस तरीके से सरकार पेमेंट रिसीव करेगी, तो सरकारी लेखों में प्राप्त की जाने वाली सरकारी बकाया, जो भी सरकारी बकाया है, ड्यूज़ हैं और अन्य धनराशियां हैं, तो कार्यालय में या कोषागार अथवा बैंकों में चेक या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई भुगतान के रूप में या नकद में भी स्वीकार की जाएगी। परंतु नकद जो होगा, ऐसी नकद राशि जो 500 रुपये से कम होगी वही स्वीकार की जाएगी, 500 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 500 रुपये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि 500 रुपये तक तो क्या होगा, नकद में कैश में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सरकार के खातों में, ठीक है। और 500 रुपये से अगर ऊपर है तो क्या, बैंक के जो चेक्स होते हैं वो पोस्टल ऑर्डर्स हो गए, उसमें मनी ऑर्डर्स हो गए, ई भुगतान हो गया, ई पेमेंट कर सकते हैं और नकद भी कर सकते हैं 500 रुपये तक। और 500 रुपये से अधिक का अगर कैश है तो इस तरह का कैश रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस कोई इस तरीके का प्राधिकारी या अधिकारी नियुक्त ना कर दिया जाएगा, उसको ऑथराइज ना कर दिया जाए कि भैया आप है ना 500 रुपये से अधिक का भी कैश रिसीव कर सकते हैं। तो ये आदेश कब प्रतिस्थापित किया गया था, 29/11/2007 को ये प्रतिस्थापित किया गया था, जो हमारा वित्त मतलब हम सामान्य वित्त एवं लेखा नियम जो पढ़ रहे हैं उसके सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नियम नंबर कौन सा हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आ जाइए नंबर 42 का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखो 42 का 2 कहता है, तहसीलों उप तहसीलों में प्राप्ति भूमि के मामले अथवा काश्तकारों जो टेनेंट्स द्वारा राजस्व लगान के कारण जमा कराई गई कोई राशि, अन्यथा पटवारियों द्वारा लगाया गया कोई अन्य बकाया के संग्रहण तहसीलों उप तहसीलों द्वारा प्रत्येक मामले में कितना, 500 रुपये तक स्वीकार किए जाकर सरकारी लेखों में उप कोषागार या बैंक में जमा कराए जाएंगे। इससे अधिक की अगर राशि है, ठीक है, 500 रुपये तक तो अपन ने पीछे पढ़ लिया कि कैश भी रिसीव किया जा सकता है, और 500 रुपये से अगर ज़्यादा की राशि है तो उन धनराशियों को भी सरकारी लेखों में स्वीकार किया जा सकता है। कहाँ पर, तहसील और उप तहसीलों के लिए थोड़ा सा अलग नियम है ना। तो यहाँ पे भी अगर 500 रुपये से अधिक अगर कैश है तो उसको भी जमा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए एक सेफ कस्टडी है ना, सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी, विशेष स्थान की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पर अगर ज़्यादा पैसे को जमा किया जा रहा है तो रखा जाए। जैसे
वॉल्ट्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे से कैबिन बना दिए जाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर व्यवस्था की जाती है लॉकर तिजोरी रखकर कि भैया अगर ज़्यादा पैसा है तो इसमें सेव करके रखें, ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि जिला कलेक्टर से यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि नकद राशि की देखभाल करने की एवं उसकी अक्षय अभिरक्षा सेफ कस्टडी के लिए किसी विशेष स्थान का पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कलेक्टर इसका ऑर्डर देता है, ये तो सब आप जानते ही हैं, ठीक है। आज ये नियम आप 43 देखते हैं, 42वां नियम अपन ने देखा कैसे रिलेटेड। अब 43 जो नियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, नियम 43 में क्या दे रखा है? तो नियम 43 के अंदर दे रखा है रिसीप्ट्स ऑफ कॉइन एंड नोट्स, ठीक है। कॉइन मतलब सिक्के, सिक्कों से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड नियम कौन सा है? 43 है, 43 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सरकारी लेखों में प्राप्त की जाने वाली सरकारी बकाया या अन्य राशि साधारणतः विधि मान्य सिक्के है ना, जो लीगल टेंडर्स कॉइन्स होते हैं, नोट होते हैं, उसके रूप में ही रिसीव की जाएगी। जैसे मान लीजिए पुराना वाला 2016 में मोदी जी ने क्या करा था, बैन किया था 500 और 1000 रुपये का नोट, ठीक है। अब ये जो 500 और 1000 रुपये का नोट जो बैन किया गया और वो चलाना चाहे तो वो कोई रिसीव कर लेगा नहीं, क्योंकि वो अब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं वो वाले नोट्स, ठीक है। अगर कोई 25 पैसे का सिक्का जमा कराना चाहता है, मतलब खरीदना चाहता है आपसे, कुछ सामान खरीदना चाहता है, और वो 25-25 पैसे के सिक्के भर के लेकर आता है, तो क्या वो वैलिड है? नहीं, वो लीगल टेंडर कॉइन्स नहीं रहे हैं अब, ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए नियम नंबर 44, नियम 44 क्या कहता है, सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति, रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट यूज बाय चेक, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का जो भी बकाया है वो चेक से प्राप्त किया जाएगा। तो चेक्स किस प्रकार के होंगे, जैसे लोकल बैंक्स होती हैं तो उनके चेक्स भी यहाँ वैलिड होंगे। चेक आपने देखा ही होगा, चेक इस प्रकार का चेक होता है, लंबा सा, यहाँ पर पे लिखा होता है, ठीक है, किसको भुगतान करना है, यहाँ पर अमाउंट लिखा होता है, अमाउंट यहाँ पर डब्बा बना होता है, ठीक है, इसमें तो वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर्स में लिखते हैं अपन, और यहाँ पर साइन कर देते हैं जो भी चेक लिख रहा है। तो ये जो चेक लेखक है, चेक पे कर रहा है, तो ये जो चेक जिस दिन उसने बैंक में जमा कराया, मान लीजिए ये कारोबार बैंक के माध्यम से हो रहा है, तो इस बैंक में इसने क्या है, पैसा जमा करा दिया, ये पैसा क्या जमा कराया, चेक जमा कराया, ठीक है। तो जिस दिन चेक जमा कराया क्या, उसी समय से ये मान लिया जाता है कि इसने पेमेंट कर दिया, नहीं, ठीक है। पेमेंट कब मानी जाती है, जब ये चेक क्लियर हो जाता है और पैसा इसके अकाउंट से, ये ए पर्सन है मान लीजिए, इसके अकाउंट से कट कर गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा पैसा, तभी पेमेंट हुआ माना जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो इसको पढ़ देता हूँ आपको, ऐसे स्थानों जहाँ पर कोषागार का नकद कारोबार बैंक के माध्यम से संचालित किया जाता है, वहाँ सरकारी बकाया के भुगतान में अथवा सरकार के साथ अन्य लेन देनों के निपटारे में स्थानीय बैंकों द्वारा, ठीक है, जो लोकल बैंक्स होती हैं, उनके चेक स्वीकार किए जाएंगे। यदि वे चेक आदेशक लेखक ड्रॉअर द्वारा रेखांकित क्रॉस्ड कर प्राप्तकर्ता के लेखे में जमा किए गए हों, देखो ये मैंने अभी चेक बनाया था, तो यहाँ पर जब क्रॉस कर देते हैं ना, तो इसी के अकाउंट में पैसा जमा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस करना, ये ऊपर जो क्रॉस किए ये वाला, ठीक है। तथापि ये जब तक किसी चेक या क्लियरेंस ना हो जाए, तब तक सरकार ये स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तथा परिणाम स्वरूप जब कोई चेक प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए अंतिम रसीद नहीं दी जाएगी, ठीक है। जब तक जैसे मान लीजिए अब ये चेक तो जमा करा दिया गया, अब पेमेंट की फुल फाइनल रसीद कब दी जाएगी, जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा तब तक नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रारंभ में पत्र संख्या कौन सी, CA 52 में केवल चेक प्राप्त कर लेने की ही रसीद दी जाएगी, लेकिन इस तरीके से भुगतान करने वाले व्यक्ति यदि ऐसा चाहें तो चेक का क्लियरेंस हो जाने के बाद एक औपचारिक रसीद उसके पते पर भेज दी जाएगी। बैंक के संग्रह प्रभार कलेक्शन चार्जेस यदि कोई हो, बैंक द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन चेक प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से वसूल किया जाएगा। तो ये जो चेक की रसीद है कौन से पत्र संख्या के अंदर भेजी जाती है, CA 52 के अंदर भेजी जाती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चेक से रिलेटेड अगर कोई रसीद चाहिए तो उसके लिए पत्र संख्या है CA 52 के अंदर, ठीक है, कि भैया जो पेमेंट करी गई है वो चेक से रिलेटेड रसीद। जैसे मान लीजिए आप चेक डिपॉजिट कराया, तो चेक डिपॉजिट की रसीद तो आपको बैंक दे देगी, जिस दिन बैंक ट्रांसफ़र करके गवर्नमेंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी उस दिन वो उसकी भी दे देगी कि पैसा क्लियर हो गया है, ठीक है। आज ये सेकंड पॉइंट, प्राप्त हुए चेकों का अनादृत होना, डिसओनर होना, ठीक है, मतलब उनका खारिज हो जाना। अभी खारिज कब होते हैं, जब उसने कोई गलत साइन कर दिया हो, उसने क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये चेक है आपके सामने, ठीक है, ये मैंने लिखा पे और ये लिखा अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर ये तो MICR कोड्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये इसका नाम हो गया, और यहाँ पर डेट लिखी जाती है ऊपर कोने में, देखे होंगे आपने डब्बे डेट वाले,
और यहाँ पे किया जाता है साइन, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो आपने ये डब्बे भरे, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 जनवरी को पेमेंट करनी थी और यहाँ पर 1 जनवरी 2024 भर दिया गलती से, ठीक है, 0101 इस तरीके से भर के ये 24 कर दिया। अब जनवरी जनवरी आपको दिख रही है भैया सही भरी है, परंतु भैया ये तो अभी 24 तो आया ही नहीं है, अभी तो 23 चल रहा है, तो अब ये क्या होगा, चेक डिसओनर हो जाएगा, ठीक है। इसकी गलत अमाउंट भरने, गलत डेट गया, गलत साइन या गलत अमाउंट भरकर, मतलब गलत तरीके से चेक प्रेजेंट करके, है ना, फॉल्स चेक देने के कारण चेक डिसओनर हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है। यदि कोई चेक उसके प्रस्तुत किए जाने के पर बैंक द्वारा अनादृत डिसओनर हो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत चेक देने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने भी चेक भेजा था, जैसे रमेश राम का चेक है, ठीक है। तो ये अब ये सूचना राम को भेजी जाएगी, भैया आपका चेक डिसओनर हो गया है, और आप अगर सरकार को लगता है कि हाँ आप पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो उसकी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। भेजकर उससे नकद भुगतान के लिए कहा जाएगा। इस सूचना को भिजवाने में विलंब के कारण हुई किसी भी प्रकार की हानि या क्षतिपूर्ति के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नोट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक, है ना, एक होती है, देखो एक होती है सिविल पेनल्टीज और एक होती है क्रिमिनल पेनल्टी, तो यहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सिविल मैटर है एक तरीके से, क्रिमिनल तो है नहीं है, है ना, पर दंडात्मक उसको दंड दिया जा सकता है, करने पर विचार करेगी जिसने ऐसा चेक भेजा है जो उसके खाते में पर्याप्त धन के अभाव में लौटा दिया गया है या अनादृत डिसओनर कर दिया गया है, ठीक है। तो या तो पैसा नहीं है उसके अकाउंट में तब भी उसने चेक भर दिया, या फिर डिसओनर होने के कारण इस तरह का हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जब चेक द्वारा भुगतान किया जाना हो तो सरकारी राशि को भुगतान की अंतिम तिथि से पूर्व के कार्य दिवस तक ही चेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई भुगतानकर्ता अंतिम तिथि को चेक द्वारा राशि जमा कराता है, देखो सिंपल सी बात है, अब ऐसा समझिए, अब ये चेक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है जिसके नाम करना है, जिसको भी यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है, ये पे अमाउंट अपन उसमें लिख देंगे, ये कोर्स हो गए और यहाँ पे अपन ने साइन कर दिया। अब एक बात बताइए, अब मैं ये चेक क्रॉस करके आपके खाते में, जैसे मान लीजिए राम के खाते, गवर्नमेंट का खाता है, ठीक है, कहीं भी जमा कर रहे हैं, अब ये मैंने आज लास्ट डे है, मान लीजिए 31 मई, ठीक है, 2023, मान लीजिए 31 मई 2023 लास्ट डे को ये चेक जमा कराया जा रहा है, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन चेक लेने से मना किया जा सकता है, क्योंकि एक दिन तो इसको क्लियर होने में ही है और लास्ट वर्किंग डे पर ही आप चेक जमा करा रहे हैं और क्लियर ईयर नेक्स्ट होगा, तो इसको क्या होगा, मना किया जा सकता है इस चेक को। तो यहाँ पर यदि कोई भुगतानकर्ता अंतिम तिथि, है ना, लास्ट वर्किंग डे को चेक द्वारा राशि जमा कराता है तो उसके प्राप्त करने से प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा मना किया जाएगा, ठीक है, तथा भुगतान की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले चेकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैंक ड्राफ्ट बैंकर चेकों को इन नियमों के प्रयोजनार्थ चेकों से भिन्न नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो जो बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं ये, ठीक है, इनको क्या समझा जाएगा, चेक ही माना जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप भी बोले कि ये तो बैंक ड्राफ्ट है हम तो लेंगे नहीं, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट को भी चेक ही समझा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सरकारी बकायों के भुगतान में पेश किया गया चेक, चेक ड्राफ्ट्स, है ना, बैंकर्स चेक जैसे इस प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा यदि प्रस्तुत किए जाने पर भुना दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने चेक डिपॉजिट कराया और उसकी पेमेंट क्लियर कर दी गई है तो उसे क्या होगा, पेमेंट किया हुआ माना जाएगा, ये वाली बात करें तो उसे भुगतान किया गया हुआ माना जाएगा, बशर्ते वह चेक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, चेक होना ड्राफ्ट, मतलब जो बैंक ड्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं ना बैंकर्स चेक्स, ये सभी क्या होंगे, चेक्स की कैटेगरी में ही आते हैं, सरकार के बैंक या सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने के लिए उस तारीख को जिससे वह सौंपा जाएगा प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी को सौंप दिया गया है, ठीक है। ये ऑर्डर कब प्रस्तापित किया गया है, 11/9/2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ये, ठीक है, चेक से रिलेटेड। फिर IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति, है ना, लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीव्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स, ECRAS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फुल फॉर्म आ रही है, एक आ रही है IFMS, तो अब आपको क्या इनके पता होने चाहिए, कई बार शॉर्ट में लिखे होंगे फिर आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया ये, और ECRAS, ठीक है, ये जो ECRAS है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है,
और ग्रास से होता है गवर्नमेंट रिसीव्ड, सिस्टम, ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीव सिस्टम ई ग्रास हो गया, अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ई ग्रास, गवर्नमेंट रिसीव्ड, वो गवर्नमेंट रिसीव्ड अकाउंटिंग सिस्टम ई ग्रास हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ये पूरा नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है तो ये दोनों डेफिनेट फुल फॉर्म याद रख लें। अब जो ये है ई ग्रास में प्राप्तियों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ रिसीव्ड ई ग्रास, ठीक है कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण करने के लिए, कोई भी मान लीजिए पेमेंट करनी है तो उसको क्या होगा, प्रेषक होगा एक जो पेमेंट कर रहा होगा, है ना, प्रेषक या पाने वाला ना सेंडर या रिसीवर, तो कहाँ जाएगा, ई ग्रास की वेबसाइट पे जाएगा, फुल ई ग्रास की पूरी वेबसाइट का नाम है, जैसे मान लीजिए पूरा लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे https, इसको बोलेंगे कॉलन, इसको बोलेंगे // ई, और ये क्या होता है, ये जो ऊपर है ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे नाम लिखा राम, यहाँ पे स्लैश लगाया है ना, अंडर स्कोर बोलते हैं वैसे तो उसको, ठीक है राम अंडर स्कोर @gmail लिखा, ठीक है तो अब ये जब नीचे होता है तो इसको अंडर बोला जाता है और जब ऊपर होता है तो स्कोर बोला जाता है, ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखें, स्कोर grass.raj.nic.in को लॉगिन करेगा, ठीक है तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं एक बार को, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है तो ये वेबसाइट का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, लॉगिन करेगा प्रेषक पाने वाला या फिर जो सेंडर है, प्रेषक कौन होता है सेंडर, ठीक है और ये पाने वाला कौन होता है रिसीवर, ठीक है एक तो चेक सेंड करेगा एक चेक रिसीव करेगा, ठीक है तो कोई भी हो सकता है, तो अब ये कहा सेंडर या पाने वाला तो कहाँ जाएंगे, ये लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे ई ग्रास की वेबसाइट पर और यहाँ पर ई चालान तैयार किया जाएगा, एक निर्धारित सूचनाएं भरी जाएंगी, इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी भरा जाता है, तो अर्थात सरकारी निर्देश संख्या है ना गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर GRN सिस्टम द्वारा सृजित क्रिएटेड किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए जो पेमेंट करता है, जो भुगतान करता है या फिर जो चेक पे साइन कर रहा है, हस्तांतरण करता है ना, द्वारा भुगतान के लिए इलेक्ट्रिक मोड का चुनाव किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये ई ग्रास की वेबसाइट पे बंदे ने लॉगिन किया है ना पेमेंट करने के लिए, अब ई ग्रास की वेबसाइट पे पेमेंट करेगा, जैसे मान लीजिए पूरा फॉर्मेट है वो भरने के बाद में जब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हम उसमें चयन करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बैंक में जाके पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉनिक मोड चुना, हम कैसे पेमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड चुनते ही ये क्या होगा, आपको बैंक की वेबसाइट पर डायरेक्ट क्या भेज देगा, ठीक है आप वहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब चुनाव किया जाएगा तो उसे बैंक का चयन करने के लिए पूछा जाएगा आप कौन सी बैंक का चयन करना चाहते हैं, जहाँ से वह भुगतान करना चाहता है, बैंक का चयन करने पर उसे चयनित बैंक की वेबसाइट पर निर्देशित कर दिया जाएगा, डायरेक्टेड कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए SBI की बैंक है, ठीक है तो SBI की बैंक के ब्राउज़र पे उसे भेज दिया जाएगा, वहाँ से वो उसको खोल लेगा, ठीक है वेब पेज पे भेज दिया जाएगा और वहाँ से क्या होगा वो उस मतलब जो भी लॉगिन अपना जो इंटरनेट ID पासवर्ड उसमें डालकर फिर वहाँ से पेमेंट करेगा, ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मेट वही है सिंपल सा, पर यहाँ पे क्या ये सारी चीज़ लिख के बता दी गई कि आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी बैंक की वेबसाइट पर चलेगा वहाँ पर क्या होगा यूज़र ID होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है कैप्चा कोड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप भरने के बाद में इस पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में आपके पास वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा वहाँ से, है ना वहाँ से वो चालान पत्र आ जाएगा यहाँ पर इसके अंदर, अब यहाँ पे आएगा आप यहाँ पर आगे क्या करेंगे यस आई एम एग्री और इस तरीके से करके पेमेंट कर देंगे, जो भी पैसा लिखा आएगा और पेमेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा जैसे ही पेमेंट होगा तो यहाँ से इस बैंक की वेबसाइट से आप डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे ई ग्रास पे वापस चले जाएंगे और वहाँ आपकी रिसीप्ट आ जाएगी, ये वाली चीज़ ये बता रहा है तो आ जाइए इसको पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए वैसे एक बार, है ना तो डायरेक्ट कर दिया जाएगा, तब उसे बैंक की वेबसाइट पर आने अपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन करना होगा, राजस्थान सरकार के ई कोषागार के खाते में भुगतान हस्तांतरित करना होगा, इसके इससे उसके खाते से राशि कम होकर राजस्थान सरकार के खाते में जमा हो जाएगी, जैसे वो पेमेंट करेगा तो क्या होगा आपके खाते से कटकर पैसी राशि कहाँ चली जाएगी तो राजस्थान सरकार के खाते में चली जाएगी। अब बैंक की वेबसाइट पर एक पृथक विशिष्ट बैंक चालान पहचान संख्या बैंक CIN बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सृजित हो जाएगा कि भैया आपने जो भी पेमेंट करी है वो आपके सामने जो मैंने बताया था ना एक रिसीप्ट आ जाएगी तो उस रिसीप्ट में ये बैंक CIN नंबर भी लिखाएगा कि आपको इस नंबर से पेमेंट हुई है, ठीक है
साइबर रसीद की मुद्रण प्राप्त प्रति, ठीक है। अब जो प्रिंटेबल कॉपी आप क्या करेंगे, जो रिसीव प्राप्त हुई है उसको प्रिंट कर लेंगे और क्या करेंगे, है ना। निर्माण प्रेषक के पाने वाले के खाते से भुगतान की अभी पुष्टि कंफर्मिंग करते हुए दोनों अन्य पहचान संख्या यूनिक आईडीज GRN है ना एंड बैंक CIN के साथ होगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, गवर्नमेंट देखो यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म भी लिखी हुई थी, चलो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर और बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, रेफरेंस नंबर है, और बैंक क्या है, बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये दोनों ना याद रखना है। भुगतानकर्ता को अब फिर से HTTP वो ईग्रास की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से वो उसको डायरेक्ट कर दिया जाएगा वापस से, वही वाली बात बताई है, ठीक है। जिससे एक बार भुगतान हो जाने पर उसके चालान की प्रति दोनों विशेष पहचान संख्याओं GRN गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर और बैंक CIN बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ उसे उपलब्ध होगा होगी। बैंक का नाम, लेने देने की तारीख और बैंक चालान पहचान संख्या बैंक CIN स्वतः ही ई ग्रास पर तुरंत क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब भुगतानकर्ता हस्तांतरणकर्ता को बैंक की वेबसाइट पर स्थानांतरित कर दिया जाए और एवं वह उसमें प्रवेश कर जाए तो भुगतानकर्ता द्वारा अपने खाते में किए गए लेन देन के लिए संबंधित बैंक ही उत्तरदायी होगा। कौन होगा, जैसे मान लीजिए जो अब मान लीजिए पेमेंट कर रहा है भुगतानकर्ता, पेमेंट कर रहा है और ये सर्वर अटक गया, तो अब सर्वर अटक गया आपके पेमेंट खाते से पेमेंट चली गई पर गवर्नमेंट के खाते में पैसा नहीं आया, अब क्या करेंगे, तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बैंक ही रेस्पॉन्सिबल है। आप जाएंगे बैंक में, बैंक को बोलेंगे तो बैंक अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि भाई ये गलती हमसे हुई और वो वापस से पेमेंट करेगा, ठीक है। प्रतिभागी बैंक जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसके ग्राहकों के लिए दोहरे भुगतान लेन देन शुल्क गलत जमा निकासी आदि के लिए क्या रहेगी, रेस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर जैसे मान लीजिए दो बार पेमेंट हो जाती है, आपने एक बार पेमेंट कटवाई है दो बार कट गई, गलत पेमेंट कट गई, ठीक है, तो इसके लिए सब कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल जो भी बैंक है, उत्तरदायी बैंक है, संबंधित मतलब रिलेटेड बैंक है, जो भी यूजर से रिलेटेड बैंक है वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाग लेने वाले बैंक पार्टिसिपेटिव बैंक के सर्वर से सरकारी सर्वर पर किसी लेन देन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने का संदेश अद्यतन अपडेट होने के बाद ही बैंक उस भुगतान के होने के संबंध में कोई विवाद नहीं रहेगा। जब मान लीजिए यहाँ से पैसा कटकर और इस गवर्नमेंट के खाते में आ गया, मान लीजिए पैसा, ठीक है, अब गवर्नमेंट के खाते में आ गया तो आपका यहाँ पे क्या विवाद रहेगा, पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ई भुगतान RBI को रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन चालान प्रस्तुत करके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जितने भी ये चालान बैंक ने चालान पेश किए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, बैंक क्या करेगी, ये सभी चालानों को नेक्स्ट वर्किंग डे पर, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे आज के चालान सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है, 8 AM से जितने भी चालान हुए हैं आज की डेट में जब तक बैंक क्लोज नहीं हो रही, वो सारे चालान नेक्स्ट वर्किंग डे पर RBI को क्या भेजे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ई भुगतान RBI को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए ऑनलाइन चालान प्रस्तुत करके बैंक की प्राधिकृत वेबसाइट पर किया जाएगा। नियत समय कट ऑफ टाइम उस दिन से संबंधित भुगतानों की रिपोर्ट RBI को करने के लिए अपराह्न 8 बजे भारतीय मानक समय या RBI द्वारा निर्धारित समय होगा, ठीक है। भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 8 बजे है वैसे तो, और या फिर RBI ने जो निर्धारित समय डिसाइड कर रखा है वो उसको माना जाएगा, ठीक है। उस समय के पश्चात प्राप्त ई भुगतानों को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए अगले कार्य दिवस नेक्स्ट वर्किंग डे को हिसाब में लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। निर्धारित जाँचें और प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात बैंक सभी ई प्राप्तियां जितनी ई रिसीप्ट हुई हैं उनको ई फोकल पॉइंट ब्रांच में एकत्र करेगा और फाइल किसको भेज देगा, RBI को प्रस्तुत करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। कितने बजे, 8 बजे के बाद जितनी भी जो भी आपकी प्राप्तियां हुई हैं वो सब कहाँ भेजी जाती हैं, RBI को भेजी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ई ग्रास के अधीन हस्तीय मैनुअल भुगतान नकद, ठीक है। अभी हम डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा अगर कोई पेमेंट करना चाहता है और ये सारी क्या है, वो मैनुअल भुगतान करना चाहता है, मैनुअली ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहता, तो जो रिसीप्ट है, ठीक है, ये जो रिसीप्ट है चालान की, इस चालान में क्या होगा, इसकी प्रिंट करा लेगा और बैंक में जाएगा और बैंक में जाके इसकी डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। वो अब क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन नहीं कर रहा, ऑनलाइन करता तो यहाँ पर ऑनलाइन मेथड लेता, ऑनलाइन करता तो SBI जैसे बैंक का वो लिंक आ जाता, उस पर क्लिक करते ही वो बैंक के पेज पे चला जाता, वहाँ से क्या होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देता आपने, ठीक है, जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कैसे भी पेमेंट करना चाहता है। परंतु यहाँ पर क्या है, उसने मैनुअल चुना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिसीप्ट है इसकी फोटोकॉपी निकलवा के कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में कैश जमा करा के फिर वो बैंक वाले उसको पेमेंट कर देंगे, जैसे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, ठीक है, के माध्यम से भुगतानों के मामले में प्रेषक
ई ग्रास की वेबसाइट को लॉगिन करेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, जहां पर चालानों का नमूना टेम्पलेट्स उपलब्ध होंगे। इस नमूने में सभी सूचनाएं भरकर बैंक को प्रस्तुत करना होगा। सूचना सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात सरकारी निर्देश GRN है ना सर, वही गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर ठीक है का निर्माण होगा। उसे चालानों की प्राप्त प्रतियाँ मुद्रित करना होंगी। उसके पश्चात उसे उसे उसकी जो प्राप्तियां हैं जमा करने के लिए बैंक जाना होगा। बैंक नकद या डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक्स के माध्यम से किए गए भुगतानों के ब्यौरे अपडेट करेगा और बैंक उस लेन देन के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये जो भी नंबर होगा जब बैंक पे कर देता है तो ये इस चालान पे ही वो नंबर लिख दिया जाता है, या फिर वो क्या करते हैं नई स्लिप सी इशू कर देते हैं और वो उसको दे देते हैं कि भैया देखो ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, और फिजिकल स्क्रॉल के साथ ई स्क्रॉल संबंधित कोषागार और उपकोषागार को प्रस्तुत करवाएगा। अपने काउंटरों पर फिजिकल क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सारा काम फिजिकली हो रहा है, अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये जाके खुद कर रहा है सारे काम। ये पहले बैंक जा रहा है, फिर बैंक वो कोषागार उपकोषागार को भिजवा रही है या फिर आपको भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल काउंटरों पर चालान बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जाँच पड़ताल कर सकेगा। मैनुअल पेमेंट की दशा में पुनर्मिलान प्रक्रिया और स्क्रॉल प्रक्रिया वही रहेगी जो वर्तमान में हस्तीय ई चालानों मैनुअल पेमेंट के लिए लेखा संबंधी कोषागारों द्वारा महालेखाकार को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राप्तियों की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिफंड्स। अब जो रिफंड्स हुआ है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। पहला है पॉइंट, ऑनलाइन राजस्व ग्रहण संग्रहण के मामले में रिफंड की प्रक्रिया प्रचलित व्यवहार के अनुसार होगी। DDO अपना दावा GRN और बैंक CIN के साथ संबंधित कोषागार द्वारा कोषागार उपकोषागार को प्रस्तुत करेगा। संबंधित कोषागार राजस्व के जमा होने के सत्यापन सिस्टम पर करेगा। ई रिसीप्ट व मैनुअल रिसीप्ट का राजकोषीय वेबसाइट पर संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद ही तद अनुसार ही उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिफंड करना है, पहले ये देखेंगे कि भैया पैसा रिसीव हुआ था भी या नहीं हुआ था। अब जैसे हाँ पाया गया, हाँ पैसा रिसीव हुआ है, तभी उसके बाद में उसको रिफंड किया जाएगा। ई कोषागार इन प्रतिदायों रिफंडों का पृथक अभिलेख रखेगा। इसी प्रकार संबंधित कोषागार ऑनलाइन प्राप्तियों के साथ ही मैनुअल प्राप्तियों के रिफंड पर भी रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, तो ई कोषागार का काम क्या है, ई कोषागार का काम है जितने भी जो रिफंड्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखेगा। और इसी प्रकार संबंधित कोषागार, ई कोषागार हो गया, और जो रिलेटेड कोषागार है वो ऑनलाइन प्राप्तियों के साथ साथ मैनुअल प्राप्तियों के रिफंड का भी रिकॉर्ड रखता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब ई कोषागार हो गया या फिर कोषागार हो गया, तो दोनों के ही काम होता है। ई कोषागार का काम होता है ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना, और कोषागार क्या होता है, फिजिकल कोषागार होता है जो ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल प्राप्तियों पर वो नज़र रखता है। ठीक है, जो भी रिफंड किया जा रहा है। अब देखें विभाग की प्रक्रिया, विभाग की भूमिका। ठीक है, विभाग की भूमिका, रोल ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा। तो देखो, विभाग ऑनलाइन प्राप्तियों की जमा के आधार पर सेवा देगा। प्रेषक को इस प्रयोजन के लिए GRN है ना, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर और बैंक CIN बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर के विभाग को देना होगा। और विभाग भी इस आंकड़े को GeGRASS पर उपलब्ध सूचना से सत्यापित करेगा। फिर विभाग प्राप्तियों को प्रमाणिकता की जांच करने और इसमें उपयुक्त वर्णित प्रतिदायों जो भी रिफंड्स हुए हैं उनकी प्रक्रिया करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। जिन प्रकरणों में राशि के जमा होने के पूर्व चालानों की जांच विभाग द्वारा की जाती है, करदाता टैक्स पेयर के स्तर पर ई चालान जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं विभाग में जाकर जाँच के उपरांत ऑनलाइन लेन देन जमा कर सकता है। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, संबंधित विभाग अपने करदाताओं जो भी टैक्स पेयर्स हैं प्रेषकों को ई चालान बनाने या फिर ऑनलाइन लेन देन करने में सहायता के लिए विभाग के परिसर में कंप्यूटर स्थापित कर सकता है। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर ई, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग अरेंजमेंट्स। तो देखो, सभी भाग लेने वाले बैंक ही सुनिश्चित करेंगे कि जितना भी सरकारी जमा हुआ है वो सब पैसा डेली बेसिस पे कहाँ अपलोड कर देंगे, RBI को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी सरकारी खाते में पैसा जमा हुआ है वो सरकारी खाते में उसका ट्रांजेक्शन शुरू हो जाए। सभी भाग लेने वाले बैंक सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते में उचित समावधि में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसी भी प्रकार की अगर कनेक्टिविटी की समस्या या अन्य तकनीकी कोई सिस्टम द्वारा कोई अस्वीकृति की गई है या प्राप्तियों के लिए कोई रिसीव करते समय कोई एरर आ गया है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो बैंक होगी रिलेटेड बैंक ही उसके लिए जिम्मेदार होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ई प्राप्तियों के सुधार के लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल होंगे। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक
है ना, जो गवर्नमेंट है एंड आरबीआई जो है के लिए भाग लेने वाले बैंकों की नोडल शाखा कौन होगी, ई फोकल पॉइंट होगा, है ना, ये कौन सी होगी, नोडल शाखा होगी। तो सभी सरकारी या फिर आरबीआई के लिए जो भी भाग लेने वाले बैंक हैं उनकी नोडल शाखा कौन सी है, ई फोकल पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नोडल शाखा पूछी जा सकते हैं, ई फोकल पॉइंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखिए पॉइंट फोर क्या कर रहा है, प्रत्येक भाग लेने वाले बैंक जो भी क्या होगा, जो सरकारी जमाओं के से रिलेटेड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कर राजस्व संग्रहण और ई कोषागार के प्रयोजन के लिए एक फोकल पॉइंट शाखा को प्राधिकृत करना होगा, और भौतिक चालान जो फिजिकल चालान में भाग लेने वाले बैंकों के की संबंधित बैंक शाखाओं से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिया जाएगा, संबंधित कोषागार या उप कोषागार के साथ विनिर्देश शाखा का संयोजन एसोसिएट इस प्रयोजन के लिए भी उपेक्षित होगा। राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार लेखाओं के शीर्ष का वर्गीकरण सभी भाग लेने वाले बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और छठा पॉइंट है, ई कोषागार द्वारा सिस्टम से निर्मित की गई दैनिक रिपोर्ट के आधार पर ऐसे लेन देन होगा, है ना, लेन देनों जिसका भुगतान नहीं हो सका है उसके लिए भाग लेने वाले बैंक ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे ही कोई लेन देन पूर्ण होगा उसकी सूचना कहाँ भेजी जाती है, ई ग्रास की वेबसाइट पर लॉगिन करके उस पर अपलोड कर दी जाती है, और ई कोषागार को वो जो भी रिपोर्ट है वो भेजी जाती है ना, कि वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी, इसका विवरण ई कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जब कभी बैंकों को पैरामीटर के साथ सत्यापन का अनुरोध प्राप्त होता है तो बैंक अपने डेटाबेस का सत्यापन करेगा एंड भुगतान की स्थिति को ई ग्रास की वेबसाइट पर क्या करेगा, लौटा देगा। बैंक सभी सफल लेन देनों के लिए यूनिक आईडीज, ई स्क्रोल्स और फिजिकल स्क्रोल प्रतिदिन ई कोषागार को भिजवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होंगे, कौन होंगे, बैंक होंगे। अदत अनपेड, ठीक है, और पुनर्मिलान अनरिकंसाइल्ड व किए गए लेन देनों पर भाग लेने वाले बैंकों और ई कोषागार द्वारा पृथक रूप से कार्रवाई की जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट नंबर फोर का ये पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अपन ने इतने सारे पार्ट पढ़े थे, इसमें पार्ट वन हुआ है आज भाग एक, ठीक है, भाग एक में सामान्य नियम थे, तो नियम अपने 42 से 44 तक हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे भाग सेकेंड, ठीक है, ये 45 से 47 होगा। और जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि GF&AR के नियम 42 को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा किस तिथि को प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये इन डेटों में से बताइए कि 29/11/2007 को, 11/9/2013 को, 5/12/2007 को, या 25/4/1994 को, ये GF&AR के नियम 42 को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।